में शीत सत्र के आखिरी दिन जो है, क्या दिया 2023 के शीत सत्र ने महाराष्ट्र और खासकर विदर्भ को, क्या बताओ? नहीं, काफी पैकेज से हमने 40,000 करोड़ का तो अनाउंस किया है, तो उसमें सभी क्षेत्रों में, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, सभी रीजन्स को तो काफी बैलेंस करने की कोशिश की है। जिस तरह से आपने कहा कि सभी क्षेत्रों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है, हम देख रहे हैं कि विपक्षियों द्वारा जो है काली फीत लगाकर निषेध भी किया गया, विपक्षियों द्वारा आज जो है निषेध किया गया है काली फीत लगाकर। नहीं, विपक्ष तो काम है ना, तो उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं, भी दे आर टोटली, उनका तो ऐसा है कि ना सभागृह में कुछ बोल पाए वो, यानी विपक्ष का आपको नजर आया सभा असेंबली के अंदर, वो बाहर ही सब दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि अंदर हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, इसलिए नहीं, उनको बोलने के लिए कुछ मुद्दे भी नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोकशाही के मंदिर में विपक्ष ने जो भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो हमने देखा कि राधाकृष्ण विखे पाटिल हमारे साथ है और कई जो है क्षेत्रों को बैलेंस करने की कोशिश शीत सत्र के दौरान की गई है, ऐसा उनका कहना है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।